रात के बज रहे हैं लगभग 12 और यहाँ पर मैं किचन में हूँ और मैंने कर ली है वाटरमेलन की कटिंग, क्योंकि क्या होता है ना गर्मियों में खाना खाने के बाद बहुत ही ज़्यादा कुछ ठंडा मिल जाए ना तो मन बिल्कुल खुश हो जाता है, या तो आइसक्रीम हो या वाटरमेलन मिल जाए, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है रात में खाने के बाद। गर्मियों की बात कर रही हूँ तो और नज़र मेरी पड़ गई थी, मैं किचन में किसी काम की वजह से आई थी तो बस मैंने इसकी कर ली है कटिंग, थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया है। तो चलिए अभी तो मैं जा रही हूँ फिलहाल इसे इंजॉय करने, उसके बाद मैंने अपना व्लॉग शुरू किया है नेक्स्ट डे से। और यहाँ पर लंच की तैयारी करने के लिए मैं आ गई हूँ किचन में। सो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल लिशास कुकिंग एंड व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सभी की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज है नेक्स्ट डे और मैंने अपना व्लॉग आज शूट किया है, लगभग 12:30 या 1 बजने वाले हैं। यहाँ पर मैं लंच की तैयारी करने के लिए लग गई हूँ। जैसे कि आप सभी को लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि मैंने छोलों को ब्लैक वाले चनों को डी सोक करके बॉईल कर लिया था, लेकिन मैंने उसे यूज़ नहीं किया था ब्रेकफास्ट में। तो बस आज प्लान सबका बन गया कि उनके छोले भटूरे बना लिए जाए। तो यहाँ पर मैं भटूरों का आटा गूंदने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने मैदा लिया है, नमक डाला है, 1 इनो का सैशे डाला है और यहाँ पर दही डाला है लगभग आधा कप, थोड़ा सा मैंने रिफाइंड ऑयल डाला। अब मैं इसे जा रही हूँ गूंदने और रेस्ट के लिए लगभग 1 से 1.5 घंटा रख दूंगी, उसके बाद इसके हम बनाएंगे भटूरे। और छोले की रेसिपी भी मैं आप सभी के साथ इंशाल्लाह इसी व्लॉग में शेयर करूंगी। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आटे को गूंद के रख दिया है और इसे लगभग रखे हुए भी 1 घंटा हो गया है। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ आप सभी के साथ, शेयर करती हूँ छोलों की रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने ऑयल को गर्म कर लिया था जिसमें लगभग 1 बड़े साइज की मैंने प्याज को रफली चॉप कर दिया है। अब इसे थोड़ा सा गोल्डन फ्राई करना है। तो यहाँ पर मैंने प्याज को गोल्डन फ्राई करने के बाद प्यूरी डाली है टमाटर की, लगभग 3 मीडियम साइज के टमाटर, उसमें लगभग 4 से 5 हरी मिर्च, उसी को साथ में पीस लिया था। उसमें लगभग टेस्ट के हिसाब से मैंने नमक डाला था और उसको भी एक प्यूरी बनाकर मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसमें मैं अदर स्पाइसेस डाल लेती हूँ जिनकी ज़रूरत है आज की रेसिपी को बनाने के लिए। तो स्पाइसेस में मैंने इसमें डाला नमक तो मैं पहले डाल चुकी थी, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, लाल मिर्च टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट करना है, लगभग 1/2 टीस्पून जीरा भुना हुआ पाउडर घर का ही है। अब इसे लगभग 4 से 5 मिनट तक हमें अच्छे से भूनना है ताकि जो हमारा ऑयल है सेपरेट हो जाए, तब तक हमें इसे भून लेना है। यहाँ पर हमारा मसाला है अच्छे से भुन चुका है, अब मैं इसमें डाल देती हूँ मैंने जो बॉईल किए थे चने, उसमें से आधे चने मैंने इस तरह से पीस लिए थे, थोड़ा सा पानी डालकर पीस लिया था क्योंकि इन्हें थोड़ा सा बिना पानी के पीसना मुश्किल रहता है। इसमें भी 1 बॉईल लगाते हैं। तो इसी के साथ मैं जो बाकी बचे हुए चने हैं जिन्हें मैंने पीसा नहीं था उन्हें भी डाल दिया है। इसे भी इसे एक बार अच्छे से मिक्स करते हैं। अभी इसमें हमें पानी डालना है लेकिन ये उबाल आ जाए अच्छे से, उसके बाद ही पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही हल्का सा उबाल आना शुरू हो गया। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ लगभग 3 से 4 बड़े साइज के मैंने आलूओं को बॉईल कर लिया था। अगर आप आलू को थोड़ा सा हार्डली बॉईल हो तो आप पहले भी जब मैंने मसाला भुना था उस वक्त भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे जो आलू हैं वो थोड़े से एक्स्ट्रा बॉईल हो गए थे तो मैंने पहले डाल देती तो वो बिल्कुल मैश हो जाते, तो मैंने बाद में लास्ट में डाला है। और उसके बाद उसी बॉल में जिसमें मैंने चनों को पीसा था, पीस कर रखा था, उसी में मैंने थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स कर दिया। अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी क्योंकि बने बनाए इस तरह से कंसिस्टेंसी हो तो परफेक्ट हो जाएंगे, वरना ये बाद में थोड़े से एक्स्ट्रा थिक हो जाएंगे। और मैं नेचुरल कलर के लिए यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ लगभग 2-3 टीस्पून सोया सॉस, और उसका भी रीज़न ये है क्योंकि मैंने चनों को बॉईल किया था ब्रेकफास्ट के पर्पज़ से, और ब्रेकफास्ट के अगर पर्पज़ से नहीं बॉईल करती और छोले भटूरे के पर्पज़ से बॉईल करती तो मैं वहाँ पर चाय की पत्ती की पोटली बनाकर डालती हूँ जिससे नेचुरल कलर आ जाता है इस तरह से, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल लगता है। क्योंकि मैंने बिल्कुल भी ये दिमाग में था ही नहीं कि उनके छोले भटूरे बनेंगे, तो बस नाश्ते के पर्पज़ की वजह से मैंने उसे नॉर्मल ही बॉईल किया था। और उसके बाद यहाँ पर मैंने पानी को डाल दिया है थोड़ा सा, थोड़ा सा उबाल लगाना है इसमें अच्छे से। तो अब हमें इसे थोड़ी देर के लिए उबाल लगा लेना है। उबाल अच्छे से लगने के बाद ही अभी इसमें हम डालेंगे फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। आप देख सकते हैं इनका कलर बिल्कुल नेचुरल स्ट्रीट स्टाइल की तरह ही लग रहा है और ये भी उबाल भी आ चुका है। तो चलिए अब मैं इसमें डाल देती हूँ फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। अब इसे लगभग कुछ सेकंड्स तक हमें बॉईल लेना है इस तरह से ताकि जो हमारी धनिया पत्ती है वो भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और कुक हो जाए।
उसके बाद मैं इसे टर्न ऑफ कर देती हूँ फ्लेम को, और थोड़ी देर कवर करके अब मैं जा रही हूँ फिलहाल भटूरों की तैयारी करनी। ऑलमोस्ट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, तेल भी मैंने गैस पे रख दिया है, बस उसे भी बस फ्राई करना है और फटाफट से लंच की तैयारी कर लेना है इंशाल्लाह। तो यहाँ पर बस हमारे भटूरे फ्राई हो रहे हैं और आज के भटूरे भी अम्मी फ्राई कर रही हैं क्योंकि सारी तैयारियाँ हो गई थी, तो अम्मी कहने लगी वो आप फ्राई कर लेंगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है जब इतना मतलब जो मेरा भटूरा फूल जाता ना इस तरह से। लेकिन इसके लिए अच्छे से आपको आटे को रेस्ट देना पड़ेगा। अभी फिलहाल जा रही हूँ मैं सबके लिए लंच लगाने, तो थोड़ी देर में आप सभी से मिलती हूँ। पर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह आज की छोले भटूरों की थाली बनकर तैयार हो चुकी है, जिसमें मैंने सर्व किया चटनी टमाटर की, प्याज और छोलों की सब्जी, और ये रहे हमारे भटूरे। तो मुझसे तो बिल्कुल वेट नहीं हो रहा है, फिलहाल मैं भी जा रही हूँ लंच लगाने। अगर आप सभी को मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ जो नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यहाँ पर बस लंच लग चुका है और हैदर आशुन ने आज स्पेशली अपने लिए निकलवाई है छोले भटूरे वाली थाली, वो उसी में खा रहे हैं और मैं नॉर्मल पेट में ही अपना खाना इंजॉय कर रही हूँ। फिलहाल मैं जा रही हूँ क्योंकि अभी गर्म खाना है, तो फिर मिलती हूँ आप सभी से। अगर आप सभी को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट बेल बटन। मिलती हूँ नेक्स्ट नए ब्लॉग के साथ, नई रेसिपी के साथ। अलविदा दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।